वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। अगला क्षण तब सुनाओ जब पप्पी देगी साली। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई बहुत अच्छे होंगे, मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए हम लोगों ने खूब सारी करती थी शॉपिंग। स्पेशली हम लोग गुड़गांव से कानपुर आए हैं, आज वो दिन है 15 दिसंबर, आज है मेरी कज़न की शादी। तो अभी हम लोग उस लोकेशन पर आ गए हैं, अभी हम लोग करने वाले खूब मस्ती खूब धमाल। तो जो भी कोई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अभी आप लोग कर दो वरना फिर बाद में आप भूल जाते हो, लाइक कर देना पहले ही। तो गाइज ये रहे मेरे पतिदेव, आज पैंट कोट लुक में हैं तो कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहे हैं। तो ये मैं इनसे कह रही हूँ हम लोग साथ में चलते हैं, साथ में एंट्री वगैरह करेंगे। तो अभी मैंने कॉलर से पढ़ लिया कि जिससे कि ये भागे नहीं आगे। तो गाइज बता देना हम दोनों कैसे लग रही हैं। तो गाइज ये रही मेरी मौसी जी, मौसा जी सिस्टर, और ये है मेरे जिया जी। तो अभी ये लोग पहले ही आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैं सबसे लास्ट में आ गई। हेलो। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक रियल सिस्टर के साथ, स्लोमो वीडियो है तो पहली बार में तो परफेक्ट बना नहीं, तो हम लोग दोबारा रीटेक ले रहे हैं। पतिदेव कर रहे हैं शूट। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, जिससे इसने अभी तक फॉलो नहीं करा या जल्दी से आके फॉलो कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रील्स आएंगे उसमें। तो यहाँ बच्चे तो मेरे पहले ही आ गए, हम बच्चों को देख लेती हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है मेरे बच्चे। ये देखो मेरी अनवी को, अनवी को जानवी ड्रेस दिखाओ। तो यहाँ बच्चे तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, देख लो इसको तैयार करके भेजा था, इसने हेयर स्टाइल इतना बेकार कर लिया अपना, फुल मस्ती कर रही है मौसी की शादी में। ये तो एक घंटा पहले आते हैं बच्चे। भैया कहाँ भैया? तो गाइस पतिदेव ने तो अपनी कंपनी चेंज कर ली, मेरी कंपनी छोड़ के चले गए हैं जिया जी की कंपनी में, और मैं अभी अपनी जा रही हूँ अपनी कंपनी ढूंढने के लिए। अपने सिस्टर वगैरह कहाँ गए? और ये मेरे जिया जी बहुत ही कॉमेडी जिया जी हैं, इनकी कॉमेडी सच में अनलिमिटेड है। हेलो हेलो, हेलो। तो ये है मेरे प्यारे मामा जी, इन्हीं की बेटी की है शादी। अभी मामा जी ना थोड़े से इमोशनल हैं क्योंकि बेटी सुबह विदा होकर चली जाएगी ना। सीरियसली गाइस हमारे घर में ना कोई भी शादी या पार्टी वगैरह होती है ना, तो मुझे कुछ खाने पीने का होश नहीं रहता, मैं अपने व्लॉग में और रील्स में इतना बिजी हो जाती हूँ ना, तो मैं तो ऐसे ही खाती हूँ सिस्टर की थाली में से ऐसे ही। हमारी दुल्हन रानी आ गई है, उससे भी मिल जाते हैं। अब ये हटेगी नहीं, इसके ऊपर ये जल्दी मम्मा को क्या करवाओ, ये आइसक्रीम के बाद से नहीं हटेगी, इसको जुकाम हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये दीदी के साथ रहना। हमारी यहाँ पे दुल्हन जी तैयार हो गई है, वाह यार बिल्कुल लुक चेंज हो गया, लगी नहीं रही नैन्सी है यार। बहुत सुंदर लग रही है यार, लगी बढ़िया हमारी मम्मी की तो, बहुत काम में लगी बढ़िया, थक गई देखो शक्ल से भी देखो। ये देखो मेरे शिवांग को तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, 45 मिनट लगे इसको कोट कोट पहनाने में, क्योंकि इसके हाथ में फ्रैक्चर था ना, बहुत मुश्किल में कोट फेयर करवाया मैंने इसे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल प्लीज। ये तो बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गया, ये लो बहुत ज्यादा हो गई सारे सारे। ये मामा जी क्या खा रहे हैं? मामा जी पापड़ खा रहे हैं, मामा जी सही है भाई, खा रहे हैं मतलब मामा जी आइस खा रहे हैं। तो खाने में तो काफी कुछ है, तो भाई मैं तो खाऊंगी, मैं दीदी थाली लगा रही हूं, मैं इतने भी खाऊंगी।
ठीक है दीदी, दोनों साथ मिलके खाएंगे, साथ में खाएंगे, प्यार बढ़ेगा बहनों का। बट यार खाना तो खा रहे हैं, ठंड लग जाएगी खाना खाने के बाद। इसके बाद हम लोग डांस करने चलेंगे। हमारी दुल्हन रानी जा रही है, अरे तक तक अरे करके आ गए क्योंकि अब ठंड हो गई है। दो बज रहे हैं, अब जाके मैंने खाना वाना खाया है इनकी थाली में, अब जाके। और बेटी मेरी सो गई है, अभी बच्चे कहाँ हैं हमारे तीनों? वो रहे, वो खाना ना खा रहे, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ सबने मिलके एक रील बनाई है मेरे इंस्टाग्राम वाले अकाउंट में, आएगी वाली रील, मोई मोई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये वाला सॉन्ग। तो गाइस अभी यहाँ पे चल रहे फेरे, सारे के सारे बैठे हुए, हमारे पति देव को देखो कहाँ कोने में घुस के बैठ गए, सारे बैठ गए यहाँ पे लाइन टू लाइन। और मैं कहाँ बैठू? तोर ना आएगा इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, चलना मुझे आता है हर आँख से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है, इस जीवन का पुतला जल जाए भी तो क्या। तो गाइस अभी हो रहे 4:45 और अभी फेरे वेरे होने वाले हैं। मैंने चेंज वगैरह सबने चेंज कर लिया, मैंने चेंज नहीं करा, मैंने क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहा, मैंने बस ये कोट वेयर कर लिया, सब कुछ खाली हो चुका है, तो पूरा खाली पड़ा है यहाँ से वहाँ तक। एंड भी सो भी मेरा शिवांग जग रहा है, आज शिवांग पहली बार जग रहा है फेरों पर, वरना ये जगता नहीं, सो जाता है। इसका मजा आता है शिवांग को ही बहुत। तो गाइस यहाँ पे ना दूल्हे के जूते ना मिक्स कर दिए, तो अभी हम ना सारे जूते लेके जा रहे हैं।
जितने भी सारे दोस्त गाइस यहाँ पे ना सारे लड़कों वालों के जूते ना हम लोगों ने गाड़ी के अंदर डाल दिए, सिर्फ एक के रह गए थे, तो इनको भी भाई लोगों ने गोदी में उठा के जूते उतरवा दिए। तो गाइस इस शादी में डाकू मंगल सिंह आ चुका है जो सबके जूते चप्पल चुरा रहा है, मतलब अब लड़की वालों के भी जूते चप्पल चोरी हो रहे हैं। तो अभी बेटा 5:30 बजे सुबह के 5:30 बजे सोया जाके, तो यार बहुत ठंड लग रही है, धुआं निकल रहा है यार, मजा आ रहा है यार। तो शादी संपन्न होती है यार, दांत कब कब आ रही मेरे, तो अभी ना छंद सुने जाएंगे लड़के से, अभी बोला नहीं जा रहे आप बिल्कुल भी, दांत कब कब आ रहे, मेरे हाथ भी कब कब आ रहे, सब चलते हैं अंदर कमरे में। अगला छंद तब सुनाओ जब सास पहना एक नई चैन। क्या बात है, जब गर्लफ्रेंड का नाम बताए साला, आदर्श छंद पकाइया। अरे पक गया भैया, कितने पकाओगे? छंद के ऊपर कंकड़, सासू मेरी पार्वती और ससुर शिव शंकर। छंद पे बजाओ ताली, अगला छंद तब सुनाओ जब पप्पी देगी साली। ए रुक जाओ, अभी पंडित जी ने क्या बोला था? अगला छंद जब सुनाओ जब नाच के दिखाए साला। छंद पकाइया। अरे फिर तुम पकाने लगे। छंद के ऊपर खीरा, लड़की आपकी हूर, दामाद आपका हीरा। तो गाइस इनके पीछे ना यहाँ पे पूछ बांध दी है, तो अभी इनको पता नहीं है, अभी इनको ऐसे ही बाहर जाने देते हैं। पता चल गया जल्दी, सबके जूते चोरी हो गए, पता यहाँ पे कैमरे वाले के भी जूते चोरी, लड़की वालों को भी जूते चोरी है, लड़के वालों को भी। तो अभी दाई दाई घर से होगी, तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर पे, लेट हो रहा भाई। हाँ 7 बज गए, दिन आ गया, जल्दी दो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 GST मिल गई, बाकी तुमने लो। अभी चलते हैं, सुबह हो गई, अब तो ऐसी ठंड कम है, वरना 6 बजे 5-6 बजे इतनी भयानक ठंड हो रही थी ना, बहुत तकड़ी वाली। अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है और अभी घर पे आ गया, विदाई होने वाली है, अभी सब लोग रोने वाले बहुत अच्छी तरह। तभी सिस्टर को छोड़ने के लिए जा रहे हैं बाहर तक, बाहर तक नहीं, उन्नाव तक चलना अभी पैदल। तो दोस्तों सिस्टर तो विदा हो चुकी है, तो फिलहाल आज का ब्लॉग बस यहीं तक ही, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।